अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम अली रज़ा है और आज हम TP3251 का रिव्यू करेंगे। इसका आउटपुट पावर जो है वो कैलकुलेट करेंगे, कितना आउटपुट पावर है डेटा शीट के हिसाब से है या नहीं है। इस बोर्ड को मैंने PBTL मोड में कर दिया है, दोनों आउटपुट जो है इसके पैरेलल में आ गए हैं इस डेटा शीट के हिसाब से। TP3251 की डेटा शीट है, ये PBTL मोड है, इसमें मतलब सिंगल आउटपुट होता है। तो इसको हम पहले पावर दे देते हैं, 32 वोल्ट की सप्लाई पे मैं इसको टेस्ट करूँगा। ये हमारी जो बोर्ड है वो ऑन हो गया है। अब हम इसको जो उसका ऑडियो इनपुट है, इसको मैंने PBTL मोड में किया तो सर इसका ये सिंगल आउटपुट है, इनपुट है, मतलब क्योंकि सिंगल आउटपुट है तो सिंगल इनपुट होगा इसका। ये सिंगल इनपुट कनेक्ट कर दिया मैंने और जो सिंगल इनपुट मैं कनेक्ट कर रहा हूँ वो 1 वोल्ट RMS है। इसके बाद हम इस पर डमी लोड लगा देते हैं। लोड रेजिस्टेंस जो होती है ये 8 ओम की एक रेजिस्टेंस है जो मैं इस पर कनेक्ट कर रहा हूँ। और इस पर मैंने वो प्रोग्राम चलाया हुआ है, ये 1 kHz की फ्रीक्वेंसी देखे, इसको हम टेस्ट करेंगे। वॉल्यूम मैंने फुल कर दिया है, इसके हम आउटपुट वोल्ट चेक कर लेते हैं 8 ओम की रेजिस्टेंस के साथ कितने आ रहे हैं। 21.2 वोल्ट आउटपुट बनता है ये। तो हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि ये कितने वॉट बनते हैं। 56 वॉट। इसको हम डेटा शीट से भी वेरीफाई कर लेते हैं कि ये 56 वॉट बनने चाहिए या इससे ज़्यादा या कम बनने चाहिए। PBTL वाले सेक्शन में हम आ गए हैं, ये PBTL वाला सेक्शन है। इसमें ये डेटा शीट जो सबसे लास्ट वाली लाइन है ये 8 ओम के स्पीकर की है, कर्व जो है 32 वोल्ट पे तकरीबन 56 वोल्ट का आउटपुट ही बनता है। इसके बाद इस चिप की हम बात कर लेते हैं कि इस चिप का जो मैक्सिमम आउटपुट पावर है वो 350 वोल्ट है मोनो सिंगल चैनल में। उसके अलावा इस चिप को हम जो है स्टेडियो मोड में, मोनो मोड में 2.1 एंड 4, मतलब 4 चैनल, मतलब सिंगल एंडेड, मतलब इसमें 4 स्पीकर कनेक्ट कर सकते हैं एक चिप पे एट अ टाइम। उसके अलावा काफ़ी एडवांस चिप है ये, मतलब इसमें एंटी क्लिपिंग वगैरह, उसके अलावा शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ये सारी प्रोटेक्शन हैं इसके अंदर। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।